नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। यूपी के जनपद बदायूं की गंगा नदी के कादरगंज घाट पर कल गंगा दशहरा पर स्नान हुआ। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं और सुबह स्नान के बाद पूजा पाठ कर व्रत रखते हैं। गंगा दशहरा के मौके पर हजारों श्रद्धालु कादरगंज घाट पहुँचे, जहाँ हमारे संवाददाता राजीव शाके ने कुछ लोगों से बात की। देखे इस वार्ता को। आम जनता भी इस स्वच्छता के लिए सतर्क होना चाहिए और सरकार को इसके प्रति सहनशील होना चाहिए। मेरे कारण घर पाने की गंदगी देखी थी, हजारों लाखों लोगों में से कुछ चुनते ही लोग गंगा को स्वच्छ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आइए जानते हैं ये लोग कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। मेरे साथ भाई बताइए, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या अपने जनता के सहयोग से हो सकता है? लगभग यहाँ लगभग इस आपकी टीम में कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ लगभग 100 के लगभग नहीं है हम लोग, और जो है सुबह सफाई कर रहे हैं और सोमवती अमावस्या को भी हमने काफी साफ सफाई की थी। जी, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सब भाई सब लोग मिलकर गंगा जी साफ करेंगे तो तभी गंगा साफ हो सकती है। वैसे गंगा साफ नहीं हो सकती, लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी गंगा साफ होगी। वैसे गंगा साफ होने की मतलब नहीं है, लोग कूड़ा कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है सामने, देखो गंगा अच्छे दल के नाम से, तो उसमें लोग साफ सफाई कर रहे हैं अच्छे से। जी, जैसा आप हमें दिखाई दे रहा है, आप काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, जब मुझे एक घंटे रिपोर्टिंग करते हुए इस कादरगंज घाट पर हो गए आप, लेकिन आपकी टीम लगातार काम कर रही है। मैंने कई टीमों सदस्यों से बात की, उन्होंने यही बताया कि मैं सुबह से ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी मदद, अब हमारे आपसे हमने बात की थी, जनता से भी हमने बात की थी, जनता ने मुझसे यही कहा था, बिना जनता ने कहा सरकार स्वच्छता रखे, लेकिन अब इस जनता के सहयोग से या सरकार के सहयोग से गंगा स्वच्छ हो सकती है? सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो अच्छा रखेंगे, स्वच्छ होगी। जी सर, आपका जो किस संगठन के तहत आप ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैंने सोमवती अमावस्या वाले दिन गंगा अच्छे तरह का निर्माण किया, लगभग 100 से ज़्यादा अधिकारी हैं मेरे साथी लोग तैयारी करने वाले। अगर आपको जोड़ना चाहे तो हर जगह कुछ क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, जैसे उनका नंबर लेंगे, त्योहार होगा या पर्व होगा उस पर गंगा जी को संबोधित बनाएंगे। जी, हमारे साथी हैं तो उन्होंने कहा कि अगर गंगा जो है अस्वच्छ हो गई दुनिया में, ऐसे जैसा कि हमें इन्होंने बताया था कि धर्म के लिए, धर्म तो अपनी जगह पर है, स्वच्छता अपनी जगह पर है, गंगा में जीवन दायनी है, गंगा में हजारों पशु पक्षी रहते हैं और गंगा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैं दस्तक 24 के माध्यम से आपसे मैं अपील करता हूँ, गंगा को स्वच्छ बनाएं और गंगा को स्वच्छ बनाने में भारत सरकार का समाज संगठन का सहयोग है।